नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं D40 चार्ट का अध्ययन कैसे किया जाता है। D40 चार्ट का अध्ययन करने के दो अलग अलग दृष्टिकोण है। उसमें पहला दृष्टिकोण मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ विद्वानों का यह कहना है कि जब भी हम निर्यण पद्धति के अनुसार जब प्रश्न कुंडली बनाते हैं तब प्रश्न कुंडली का सटीक प्रेडिक्शन करने के लिए D40 चार्ट की मदद लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि D40 चार्ट बनाने के लिए एक राशि के 40 हिस्से किए जाते हैं। एक राशि 30 अंश की होती है और 30 अंशों को जब 40 से डिवाइड किया जाता है तो हर हिस्सा 0.75 डिग्री का होता है, अर्थात हर 3 मिनट के बाद D40 चार्ट चेंज हो जाता है। अगर मान लो एक प्रश्न कुंडली हम बनाते हैं तो प्रश्न कुंडली 2 घंटे तक सेम रहती है, एस इट इज रहती है। इसी 2 घंटे के दरमियान अगर आपको 20 अलग अलग लोगों ने प्रश्न किए तो क्या सबका जवाब सेम होगा? नहीं, हर एक का जवाब अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि D40 चार्ट हर 3 मिनट के बाद चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रश्न कुंडली 120 मिनट तक सेम रहती है और D40 चार्ट हर 3 मिनट में चेंज हो जाती है, यानी कि एक ही प्रश्न कुंडली के अंदर D40 चार्ट 40 बार चेंज हो जाती है, तो 40 लोगों के अलग अलग जवाब हासिल हो सकते हैं। दूसरा दृष्टिकोण मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि D40 चार्ट से पता चलता है कि आपकी माता की 7 पीढ़ी के अच्छे और बुरे कर्मों का कैसा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, यह भी पता चलता है D40 चार्ट से। अगर आपके माता की 7 पीढ़ी के पूर्वजों ने बहुत अच्छे कर्म किए हो, जैसे कि पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा, सेवा भाव, परोपकार, देवी देवताओं की पूजा साधना अनुष्ठान की हो, तो आपके माता की 7 पीढ़ी के पूर्वजों के आशीर्वाद स्वरूप आपका जीवन सुखमय आनंदमय हो सकता है। ठीक उसके विपरीत, माता की 7 पीढ़ी के पूर्वजों ने गलत कर्म किए हो, जैसे कि अनीति, अधर्म, लोगों को तकलीफें देना, दूसरों का हक छीन लेना, दूसरों पे अत्याचार करना, अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ छल, कपट, धोखा, विश्वासघात करना, षड्यंत्र रचना और लोगों के शुभ काम में अवरोध करना, तो उनके बुरे कर्मों का प्रभाव श्राप बनके हमारे जीवन को कष्टमय, तकलीफमय और दुखमय बना देता है। अभी हम लोग जानेंगे कि D40 चार्ट को देखने के नियम कौन से हैं। तो सुनिए, D40 चार्ट के अंदर लग्नाधिपति ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे लोगों का अपने माता पक्ष रिलेशन में बहुत अच्छा तालमेल बैठता है और उनके साथ उनकी बहुत अच्छी बनती है, यानी कि माता पक्ष के जो रिश्ते हैं, जैसे कि मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी, उन सबके साथ रिश्तों में बहुत अच्छा तालमेल बैठता है, उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनता है और उनके साथ मिलने से व्यक्ति को खुशी मिलती है या फिर उनके द्वारा लाभ होता है। दूसरा नियम, D40 चार्ट के अंदर चंद्र ग्रह जो माता का कारक है, चंद्र ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो और उसके पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं। माता पक्ष के रिश्तों के साथ बहुत अच्छी बनती है, माता पक्ष के साथ 7 पीढ़ी के पितरों के द्वारा अच्छे जो कर्म किए होते हैं उनके फलस्वरूप, उनके आशीर्वाद के द्वारा हमारे जीवन के अंदर सुख, शांति, आनंद
उन्नति प्रगति और हमें खुशियां प्राप्त होती है। तीसरा नियम D40 चार्ट के अंदर माता का कारक ग्रह चंद्र स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर अगर राशि वर्गोत्तमी होता हो या फिर भाव वर्गोत्तमी होता हो या फिर चौथे भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने माता पक्ष के रिश्तों से बहुत ज्यादा लगाव होता है, उनके द्वारा मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। माता की 7 पीढ़ी के आशीर्वाद के स्वरूप व्यक्ति को जीवन में सुख शांति समृद्धि उन्नति प्रगति यश जस कीर्ति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति मातृभक्त भी होते हैं, यानी माता की बहुत सेवा करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को माता के द्वारा मकान वाहन प्रॉपर्टी धन संपत्ति प्राप्त होने की भी संभावना बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद चौथा नियम D40 चार्ट के अंदर चंद्र स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो और कोई शुभ राज्यों बनाता हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूं कि इधर देखिए मेष लग्न की कुंडली है, उसके अंदर चंद्र चौथे भाव में दिग्बली होकर बैठा है और उसके साथ गुरु भी उच्च का होकर बैठा है तो यहाँ पे गजकेसरी योग बन रहा है। वैसे ही मेष लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए कि यहाँ पे चंद्र लग्न में बैठा है, उसके साथ स्वगृही मंगल है, मंगल यहाँ पे रुचक योग भी बनाता है और चंद्र के साथ महालक्ष्मी योग भी बनाता है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है या फिर चंद्र से दूसरे और 12वें भाव के अंदर कोई शुभ ग्रह पड़े हो तो अनफा सुनफा दूधरा नाम के शुभ 3 राजयोग बनते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी माता पक्ष के संबंधियों के साथ बहुत अच्छा तालमेल बैठता है, उनके साथ मन लगा रहता है, आर्थिक लाभ होता है, माता पक्ष की 7 पीढ़ी के अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आशीर्वाद के स्वरूप व्यक्ति को सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और समाज के अंदर मान सम्मान यश जस कीर्ति प्राप्त होती है। उसके बाद 5वां नियम D40 चार्ट के अंदर लग्नाधिपति चौथे भाव का स्वामी और चंद्र अगर ये तीनों ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च के होकर केंद्र में त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो और आपस में युति प्रतियुति या दृष्टियोग बनाते हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अपने माता पक्ष के रिश्तेदारों के साथ बहुत गहरे रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों के द्वारा आर्थिक लाभ मिलता है और उन लोगों के साथ आत्मीयता भरे रिश्ते बनते हैं, यानी कि दिल के रिश्ते बनते हैं। उनके साथ मिलकर अगर कोई व्यापार किया जाए तो उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। माता पक्ष के 7 पीढ़ी के पितरों के अच्छे कर्मों के फलस्वरूप उनके आशीर्वाद के द्वारा हमारे जीवन में हर प्रकार की खुशियां प्राप्त होती है। उनके आशीर्वाद के द्वारा हमारे जीवन में आनंद प्रेम सुख शांति उन्नति प्रगति का एहसास हमें होता है। अभी आप अशुभ के बारे में जानेंगे कि D40 चार्ट का लग्नाधिपति चौथे स्थान का स्वामी और चंद्र अगर नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से त्रस्त हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, लग्नाधिपति चौथे भाव का स्वामी और चंद्र 6वें 8वें 12वें भाव में पाप ग्रहों से त्रस्त होकर पीड़ित होता हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति को अपने माता पक्ष के द्वारा जरा भी लाभ नहीं होता। अपने माता पक्ष के जो रिश्ते होते हैं जैसे कि मामा मामी मौसा मौसी नाना नानी, उनसे बिल्कुल लगाव नहीं रहता, आत्मीयता भरे रिश्ते नहीं रहते। काफी लोगों को तो मौसाड़ का यानी कि माता पक्ष के जो रिश्ते हैं उनका सुख ही नहीं मिलता, यानी कि मामा मामी ना हो, मौसा मौसी ना हो, नाना नानी जल्दी मर जाए और माता पक्ष 7 पीढ़ी के पूर्वजों के पाप कर्म के फलस्वरूप इस जन्म के अंदर बहुत प्रकार की तकलीफें आती है। कुछ लोगों को शारीरिक तकलीफें होती है, कुछ लोगों को मानसिक तकलीफें होती है और कुछ लोगों को आर्थिक तकलीफें होती है। तो इस प्रकार से D40 चार्ट का अध्ययन करना होता है और प्रश्न कुंडली के अंदर भी मददगार होती है और मातृ पक्ष के द्वारा हमें आशीर्वाद मिलेंगे या उनका दोष लगेगा।
आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।